कोच साहब क्या कहेंगे आप इस जीत के बारे में? हाँ, सेमीफाइनल में टीम हमारी पहले ही पहुंच चुकी थी और इस मैच से हमारी टीम का और हौसला बढ़ा है। जैसे पहले हम सोच रहे थे कि यूपी की स्पेशल लड़कियों की टीम थोड़ी अच्छी है, लेकिन आज हमारी टीम का हौसला बढ़ा है और हम कल और अच्छे अंतर से जीत दर्ज करेंगे। अनीता, आपने बहुत ही वापसी की है बहुत ही धमाकेदार तरीके से और एक मिसाल है भारतीय महिलाओं के लिए भी कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में कि आप अपना वजन, आपने बताया कि 90 किलो से ऊपर आपका वजन हो चुका था, आपकी शादी हुई, आपके आप बेटा हुआ, उसके बाद आप नेशनल में आकर गोल्ड मेडल जीता और यहाँ पर आपने एक धाकड़ गर्ल जो कि एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, भारत की पहली भारतीय महिला हैं, उनको आपने शिकस्त दी है, कैसी फीलिंग हो रही है? सर, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे फैमिली का, मेरे हस्बैंड का और देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को रेडी किया कि मैं कर सकती हूँ, उन्होंने मेरे को हर टाइम मोटिवेट किया, तो स्पेशल उनका थैंक यू बोलूँगी। और मेरे जो कोचेज हैं पंजाब रॉयल्स टीम के, उन्होंने मेरे को इतना काबिल समझा कि टीम में लिया और मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। वो कितने टाइम में किया कॉम्पिटिशन मोड में आने के लिए? टाइम तो सर 5-6 महीने तो लग ही गए थे, साथ में मेरी ट्रेनिंग थी सर पुलिस की, तो बीच में उसी वजह से भी थोड़ा टाइम वहाँ लगाना पड़ा मेरे। और कितना किलो कम किया? तो 90 था सर और अब 65 में नेशनल खेली थी मैं। बजरंग, आगे का सफर कितना चुनौतीपूर्ण है, खासकर आप ट्रॉफी उठाएं और जो काम पिछले 2 साल से आप कर रहे हैं पंजाब की टीम, वो सब करने के लिए अब कहाँ आपको लगता है किस तरह की रणनीति की और जरूरत है और क्या जो अभी तक नहीं किया वो करना है? देखिए, हमारा काम है खेलना और रणनीति बनाना हमारे कोचेज का काम है और वो जिस तरीके से कोचेज रणनीति बनाएंगे हम उस रणनीति से खेलेंगे। और हमारी टीम काफ़ी अच्छी टीम है, आज बहुत अच्छी बाउट हुई, जैसे मंजू ने काफ़ी अच्छी बाउट लड़ी आज 53 किलो में वर्ल्ड चैंपियन के साथ। अगर इस मंजू के पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता तो ये और अच्छा कर सकती थी। और अनीता की बाउट थी आज, कोरी की बाउट थी, तो काफ़ी अच्छी बाउट थी, जो क्लोज हारे हैं वो जो जीत सकते थे, तो कोशिश करेंगे जो सेमीफाइनल में बाउट होगी उनमें हम जो मैच क्लोज हारे उनमें जीत दर्ज करें। कोच सर, एक सवाल आपसे है, आप कह रहे थे कि शायद अगर एक दिन का गैप मिल जाता तो रिकवरी करने का टाइम मिल जाता, कल यही शो दोबारा से होना है यूपी दंगल से मुकाबला, क्या लगता है कि एक थोड़ा कम टाइम मिलेगा कल रिकवर? नहीं, टाइम तो कम है और लेकिन हम इसके लिए पहले से तैयार थे, पहले ही टीम को जैसे फीड कर दिया था कि हो सकता है हमारा कल ही मैच हो, और इसमें थोड़ा प्लेयर पे साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, लेकिन ऐसा हमने पहले से टीम को तैयार किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कल रेडी हैं मैच के लिए। क्या कहेंगे आप अपनी टीम के परफॉर्मेंस के बारे में, अब तक के सफर के बारे में? आज यूपी का हराकर हमारे प्लेयर के जो हौसले हैं वो बुलंद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 2 साल की तरह जो चैंपियन रहे हैं इस बार भी हम हैट्रिक बनाएंगे। आखिर ऐसा ही क्यों होता है कि आप पहला मुकाबला हमेशा हारते हैं और उसके बाद चैंपियन बनते हैं और अब चैंपियन बनने की ओर अग्रसर हैं? तो हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, भगवान जैसे कराते हम करते चले जाते हैं, हम लास्ट में भी ना जाते हैं। जय माता दी। आपके सामने फिर से एक बार हो सकता है, अगर ब्लॉक नहीं हुए तो पंकज ही होंगे। सेमीफाइनल में कोई ब्लॉक नहीं होता, नो की नो आउट होंगी और पंकज भी अच्छा। देखिए, एक बाउट लड़नी है इतने, क्योंकि अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में होते हैं तो 4-5 बाउट लड़नी पड़ती है एक दिन में, तो इतना का फर्क नहीं पड़ेगा, हम रेडी हैं और जो हमारे कोचेज ने हमारे पहले ही बता दिया था कि भाई हमारा कल भी मैच हो सकता है, तो हम उसी तरीके से तैयार हैं। मतलब पंगा।